हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग जी। चलो जी, सीखते हैं प्यारा सा साग की सब्जी जो कि मैंने बनाई है, हेल्दी वाली। हेल्दी वाली चीजें सीखनी है ना, तो चलो जल्दी जल्दी सीखते हैं। फुलपा कैसे बनता है? हेलो हेलो, चलो जी चलो बनाते हैं जी। ग्रीन लीफी भाजी तो हम बहुत खाते हैं, लेकिन लाल वाले भी जो लोग खाते हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ। जिस यहाँ पे इसको लाल माठ बोलते हैं जी, मराठी में क्या बोलते कल्पना? पोका 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 मराठी में। अच्छा जी, मराठी लाल माठ बोलते हैं। लाल माठ तुम लोग में क्या बोलते हैं? पोकड़ा बोलते हैं। पोकड़ा कोकड़ा पोकड़ा पोकड़ा। अच्छा, तेरे मुंह से इसलिए सुनने के समझ आएगा। मराठी में जी इसको बोलते हैं पोकड़ा। ये देखो जी, बॉम्बे के लोग यहाँ पे लाल, हम लोग लाल माठ बोलते हैं, और यूपी में इसको कुल्फा भी बोलते हैं जी। दिल्ली के लोग जो खाते हैं यूपी के, इसको कुल्फा भी बोलते हैं। हमारी मम्मी कुल्फा बोलती थी। ये लाल होता है, इसको काटेंगे तो पूरा रेड ब्लड जैसा इसमें से कलर आता है सुंदर, वही चीज हमारे अंदर जाती है। ये वाला साग जरूर खाना है। अभी इसको बारीक बारीक काटेंगे और कैसे बनाएंगे सीखिए मेरे साथ। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग जी। चलो जी किचन में चलते हैं जी नाश्ता बनाने की। किचन बिल्कुल फुल लग रही है मेरे को, हट जाओ किचन से। मैं आज आपको क्या खिलाने वाली हूँ, बहुत मस्त वाली सब्जी जो कि ग्रीन लीफी बोल सकते हैं, बट उसका रेड कलर होता है जी, बहुत हेल्दी होती है, हमको जरूर खानी चाहिए जी। मैं चलती हूँ किचन में जी। कल्पना आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम ही आ जाओ। देखो जी, पहले आपको दिखाती हूँ मैं, सबसे पहले मैं क्या बनाने वाली हूँ जी। देखो जी, ये क्या है जी, साग जिसको कुल्फा बोलते हैं, और मराठी लोग क्या बोलते हैं, दो एक आगे बता चुके हैं जी, अब शुरुआत में बता दिया। कुल्फा बोलते हैं, लाल माठ बोलते हैं, क्या था और नाम बता दे फिर से। देखो ये भी भूल गई, तो बहुत अच्छा बनता है जी, मेरा फेवरेट है जी साग, मैं खाती हूँ। बहुत सिंपल बनता है, इसके लिए पोकड़ा बोलते हैं। प्याज काट लेने हैं दो छोटे छोटे बारीक बारीक, और आराम से जितनी आपको मिर्ची खानी है ना उस हिसाब से आप ग्रीन चिली ले लीजिए। देखिए बहुत झटपट बनती है, बहुत हेल्दी वाला है, बहुत मजेदार बनता है, मेरा फेवरेट है। इसके लिए आपको बताने वाली ये रेसिपी, लाल माठ जिसको कुल्फा बोलते हैं। चलो बनाते हैं, शुरू करते हैं। कढ़ाई कर दी है गर्म, उसमें डालेंगे सादा वाला कोई भी तेल, सरसों के तेल में बना सकते हैं, बट बहुत हेल्दी है, डायरेक्ट आपकी बॉडी में खून बनता है। खून बनता मीन्स जैसे आयरन मिलता है तो बोलते हैं ना खून बॉडी, इसका रेड कलर आता था। मैं बच्चों को खिलाने के लिए यही बोलती हूँ, देखो इसमें से जूस निकलता बनती तो रेड होता है, मतलब आपकी बॉडी में भी खून बन जाएगा, ऐसा मैं बोलती हूँ। ठीक है जी, चलो जी सीखते हैं जी, बनाते हैं। देखो जी, तेल डालते, सरसों का तेल में बनाती हूँ मैं अपने घर पे खाना, सब सरसों के तेल में बनाती हूँ, बिना सरसों के तेल का खाना नहीं बनता है। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे, ये बोले छोटे 3 चम्मच डाले जी। मैं देखो 2 बर्नियां रखती हूँ ऐसे, एक में रखती हूँ सादा वाला तेल जो पराठों के लिए जो नॉर्मल तेल होता है, एक में रखती हूँ सरसों का तेल जी, ये वाला मेरी सुंदर सुंदर बर्नियां सब। एक में देखो नमक रखती हूँ जी ऐसे, और दूसरे में घी। देखो जी तेल गर्म हो गया, इसमें अभी आप बोलोगे जीरा क्यों नहीं डाला, लहसुन क्यों नहीं डाला, कुछ नहीं डालना, ये जो मेरी रेसिपी इसमें कुछ भी नहीं डालना आपको, सिर्फ प्याज डालना, नमक डालना, हरी मिर्ची। चलो जी तेल गर्म हो गया, अभी डालते हैं अपने प्याज। और साथ में डाल दूंगी हरी मिर्चे, थोड़ा सा प्याज का कच्चापन निकलना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा इसको भुनाई करेंगे प्याज की। और पत्ते वाली सब्जी कोई भी खानी है तो नमक आपको एकदम कम डालना है, क्योंकि पत्तों वाली सब्जी में ऑलरेडी थोड़ा नमक होता है, जैसे पालक में होता ही है, कम डालना चाहिए। टेस्ट करके और डाल दीजिए, पहले कम डालिए नहीं तो। क्योंकि हमको सब्जियों के अगर स्वाद लेना है, जो हम खाते हैं उसका टेस्ट चाहिए ना हमको, तो हमको मसाले कम से कम यूज करने हैं जी। देखो इसी से बनेगा सिर्फ नमक, हरी मिर्ची और प्याज, थोड़े से प्याज को करेंगे। अगर सब्जियों साग वाली सब्जियों में बोलो ना, सरसों के साग के बाद ये वाला मेरा फेवरेट साग है, मैं बहुत खाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है, इसीलिए आज आपको वीडियो बता रही हूँ बना के,
कि लाल मांस जरूर बनाइए, बहुत हेल्दी होता है। इसके अंदर फायदे भी आपको बताऊंगी, लाल मांस के क्या फायदे हैं खाने के। हो गए जी प्याज, अभी हम डाल देंगे अपना साग, बिल्कुल पानी बिल्कुल ही डालेंगे, इसको डाल के और स्लो गैस पे ढक देंगे। क्योंकि हमने इसमें अभी सादा ही काटा है तो उसमें थोड़ा सा पानी होता है, धोया अभी है, मैं इसकी अभी भी धो के इसको रखा है। गैस कर देंगे एकदम पूरा स्लो। अगर आपको लगता है कि सूखा है पानी नहीं है तो दो बूंद पानी की डाल सकते हैं, नहीं तो अपना पानी ही छोड़ देता है। बस मिक्स करके इसको, ग्रीन चिली जब मैं इसको मैश करूंगी ना, ग्रीन चिली उसमें टूट जाती है, पूरी गल जाती है, तो कड़वापन उससे मिर्ची का आ जाता है। अगर आप चाहते हैं तो तेज खाना तो थोड़ी रेड चिली डाल सकते हैं। चलो मैं थोड़ी रेड चिली डाल देती हूँ। देखो जी, थोड़ी सी रेड चिल्ली इतनी डाल दीजिए। और कोई भी सब्जी खानी तो एक चीज नहीं भूलनी है जी, ये चार दाने कलौंजी के, ये आपको जरूर जरूर डालने हैं जी, हर खाने में डालने हैं। देखो अभी से ही वो थोड़ा सा पानी नीचे छोड़ने लगते हैं जी। देखो जैसे पानी नीचे आने लगता है, इसको प्यार से बस स्लो गैस के ऊपर ढक देना है 15-20 मिनट के लिए। नरम होएगा वापस, उसको अल्टी पल्टी करेंगे तो हो जाएगा साग रेडी। बट जब एंडिंग हमने करनी है, इसको बनाना है, वो मैं प्रोसीजर बताऊंगी, जिससे कि पूरा सॉफ्ट बनता है जी। ये सॉफ्ट तो है ही है, बट पूरा नरम मऊ कैसे बनता है ना, मराठी में बोलते हैं मऊ कैसे बनता है, वो बताऊंगी 10 मिनट के बाद। देखो जी, इतनी प्यारी प्यारी भीनी भीनी इसकी खुशबू आती है ना, देखो एकदम नरम हो जाता है जी। देखो एक बूंद पानी नहीं डालना अपना पानी, देखो ऐसे छोड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है कि हर सब्जी में उनको पानी नहीं डालना, क्योंकि उसका पानी होता है, उसी में वो पक जाती है। देखा ना पिंक पिंक पानी, जब आपको बच्चों को हेल्दी वाली चीजें खिलानी है तो उनको बोला जी, देखो जी जैसे बीट रूट में होता है ऐसा कलर आता ना, तो बच्चों को यही बोलना चाहिए, देखो जी हमारे अंदर पूरा ब्लड बन के जाएगा। मैं ऐसे ही बच्चों को बोलती हूँ, खुद भी ऐसे सोचती हूँ, ताकि हेल्दी वाली चीजें हमको खानी है, ये बातें सुन के मजा आ जाता है, इंसान खाने लगता है। देखो जी अभी इसको क्या करना है, थोड़ा नरम 10 मिनट के बाद में जब हम खोलते हैं तो उल्टा चम्मच चलाना जी ऐसे। अब इसको और ढकूंगी, जब पकानी है ये आपको मैं प्रोसीजर बता रही हूँ कि 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलना है और उसके ऐसे घुमा फिरा के उसको थोड़ा सा मैश करना है। धीरे धीरे पानी सूखता जाएगा, गलता जाएगा और लाल मांस हमारा रेडी होता जाएगा। देखो जी साग को, लाल मांस को मैश कैसे करना है वो बताती हूँ, बहुत जरूरी है, तब तक स्वाद नहीं बनेगा जब तक आप ये लास्ट और प्रोसीजर नहीं करेंगे। देखो अभी गैस को कर देना तेज, आप मैशर भी ले सकते हो, इस चम्मच से भी कर सकते हो। मैं इसको पूरा सॉफ्ट करती हूँ, एक एक प्याज का दाना ना मैश हो जाना चाहिए। आपको वो मैशर लेना ना, उससे भी करो, लेकिन स्लो गैस में पका पका के इसका पानी देखो सुखा देना है। देखो जी कितना पानी इसमें आ गया, बस अभी 5 मिनट के बाद में मेरी रेडी हो चुका है जी। बट मैं आपको प्लेट करके दिखा देती हूँ जी, सुंदर से बाउल में रुको, कहाँ से जी निकालते हैं अच्छा वाला बाउल, कौन सा निकालूं जी। देखो व्हाइट निकालते, चलो जी इसमें डालते जी अपना लाल मांस जी। बस बनाई बनाई हो गई जी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी खाते हैं, आपको जैसे खाना खाइए, लेकिन मेरा मतलब है आपको हेल्दी खाने खाने जरूर है जी। आओ कैमरा मैन आओ, देखो जी ये आप रोटी के साथ खाओगे ना तो आपको बहुत ही मजा आने वाला जी। मेरा हेल्दी वाला साग आपको बना के खाना है और मजे करने हैं, क्योंकि ये मैं यही चीजें खाती हूँ, आपको यही चीजें बताती हूँ। लाल मांस, लाल रंग का जो साग दिखता है ना, जो नहीं खाते वो भी ढूंढिए खाइए, इसको बना के आपको बहुत मजा आएगा। सिंपल रेसिपी है, बनाना जरूर है, खाना है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को कमेंट करना है, शेयर करना है और वीडियो को देखना जरूर है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।